हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 15 से लेकर के 31 अगस्त तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले नंबर पर है आपकी 11वीं सदी के किले के अवशेष। अभी हाल फिलहाल में तमोरा पहाड़ तमोर पिंगला अभ्यारण्य सूरजपुर जिले के तमोर पिंगला अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है तमोरा पहाड़, जिसकी ऊंचाइयों में हमें 11वीं सदी के किलों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये जो आपकी इन अवशेषों में हमें वर्गाकार बावली और ईंटों से निर्मित किले के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वर्गाकार बावली का मतलब क्या होता है? बावली जो है ये भी एक प्रकार का कुआं ही होता है, बस कुएं और बावली में डिफरेंस ये है कि बावली में जल स्त्रोत तक पहुंचने के लिए फुट स्टेप्स यानी कि सीढ़ियां बनी रहती है। ठीक, तो ये आपके वर्गाकार बावली और ईंटों से निर्मित किले के अवशेष प्राप्त हुए हैं। स्थानीय स्तर पर जो यहाँ पर जो किंवदंती प्रचलित है, इस किंवदंती के आधार पर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में राजा बालम का शासन हुआ करता था, जो कि रिवांचल क्षेत्र का शासक था। रिवांचल, रीवा जो है ये आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो रिवांचल का शासक जो था आपका राजा बालम, उसी के शासन क्षेत्र के अंतर्गत ये तमोरा पहाड़ आता था। तो इस किंवदंती के आधार पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 11वीं सदी के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये राजा बालम के काल के हो सकते हैं। ठीक है, तो और देखिए ये जो तमोरा पहाड़ है, इस तमोरा पहाड़ को इसी राजा बालम के नाम पर ही इसे बालम पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि 11वीं सदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सूरजपुर जिला तमोरा पहाड़ तमोर पिंगला अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके विलुप्त प्राय तथा दुर्लभ प्रजाति की तितलियाँ। अभी हाल फिलहाल में कुछ दुर्लभ प्रजाति की तितलियाँ मिली है आपके भोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा जिला। कवर्धा जिला के भोरमदेव अभ्यारण्य जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, यहाँ से आपके कुछ दुर्लभ प्रजाति की तितलियाँ देखी गई है। एक अनुमान के आधार पर आपका ये जो भोरमदेव अभ्यारण्य है, यहाँ पर 90 से अधिक तितली की प्रजातियाँ मौजूद है। ये जो आपका अनुमान जो दिया गया है, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये अनुमान दिया गया है। ठीक है, देखिए ये जो इसमें जो है अभी हाल फिलहाल में 3 प्रजातियाँ इस भोरमदेव अभ्यारण्य वाले क्षेत्र में देखी गई है। एक है आपका स्पॉटेड एंगल, दूसरा है ब्लू मॉर्मोन और तीसरा है ओरिएंटल चेस्टनट यंग। ठीक, इन 3 प्रजाति के तितलियों को इस भोरमदेव क्षेत्र में देखा गया, भोरमदेव अभ्यारण्य के जंगलों में देखा गया है। देखिए ये जो आपका स्पॉटेड एंगल है, ये दुर्लभ प्रजाति की तितली है, जो आपके जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो तितलियों की प्रजातियां बताई गई है हमारे इस छत्तीसगढ़ के भोरमदेव अभ्यारण्य वाले क्षेत्र में, उस लिस्ट में ये स्पॉटेड एंगल तितली की प्रजाति शामिल नहीं है। तो ये एक नई दुर्लभ प्रजाति की तितली है जो हमारे भोरमदेव अभ्यारण्य में देखी गई है। दूसरा है आपका ब्लू मॉर्मोन। ब्लू मॉर्मोन जो है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली है, आकार के आधार पर साइज वाइज भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली है आपकी ब्लू मॉर्मोन, और तीसरा है आपका ओरिएंटल चेस्टनट यंग। ठीक है, तो ये 3 दुर्लभ प्रजाति की तितलियां जो है ये हमारे भोरमदेव अभ्यारण्य में देखी गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 जारी किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों और शहरों की स्वच्छता की स्थिति के आधार पर एक रैंकिंग जारी किया गया है। ठीक है, देखिए इस स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज्य है अब हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, इंडियाज क्लीनेस्ट स्टेट हमारा छत्तीसगढ़ है। 100 से अधिक नगरीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है पूछा जाए तो ये है हमारा छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बनेगा ही इस साल। ठीक है, या तो व्यापम के एग्जाम का बनेगा या तो पीएससी का प्रश्न बनेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है पूछा जाए तो वो है हमारा छत्तीसगढ़। अब कुछ राष्ट्रीय रैंकिंग देख लेते हैं। देखिए अलग अलग कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज यानी आपके शहरों की आबादी के आधार पर जो है ये रैंकिंग तैयार किया गया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जो है आपका इंदौर पहला मतलब प्रथम स्थान पर है। ये जो आपका इंदौर जो है चौथी बार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, दूसरा है आपका 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जो है हमारा अंबिकापुर, ये पहले स्थान पर है। इस श्रेणी को याद रखिएगा, प्रश्न क्या पूछ रहा है उस प्रश्न के आधार पर अपना आंसर लीजिएगा। अगर प्रश्न पूछता है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छतम शहर कौन सा है तो वो है आपका इंदौर। इंदौर जो है चौथी बार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छतम शहर बना है। अगर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि 1 से 10 लाख, ध्यान दीजिएगा, 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पहले स्थान पर या सबसे स्वच्छतम शहर कौन सा है तो उसमें लगाएंगे आप अंबिकापुर।
ठीक है। अब देखिए, अब नीचे कुछ रैंकिंग दी गई है, ये रैंकिंग जो है आपके इस जोन के आधार पर है। देखिए शुरू के जो दो रैंकिंग है ये ओवरऑल रैंकिंग है, पूरे भारत भर में है, लेकिन नीचे की जो तीन रैंकिंग दी गई है ये आपके जोन वाइज है। जोन वाइज का मतलब ये जो आपकी स्वच्छता रैंकिंग जो तैयार की गई है ये आपके जोन वाइज तैयार किया गया है। जोन वाइज का मतलब जैसे आपका नॉर्थ जोन जिसमें आपका उत्तर प्रदेश पंजाब आते हैं, साउथ जोन जिसमें आपका तमिलनाडु केरल कर्नाटक ये आते हैं, वैसे ही है आपका ईस्ट जोन। ईस्ट जोन में हमारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आपका झारखंड, ये सभी आपके ईस्ट जोन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो देखिए इस ईस्ट जोन की रैंकिंग में 50,000 से 1 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में धमतरी सबसे स्वच्छतम शहर है। 25,000 से 50,000 आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जो जशपुर नगर है ये प्रथम स्थान पर है या सबसे स्वच्छतम शहर है। वैसे ही 25,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जो पाटन है ये पाटन आपका सबसे स्वच्छतम शहर है, ठीक है। तो आबादी वाइज ये रैंकिंग है, इसे भी अलग से याद रखिएगा, ठीक। एक और आपका डाटा है उसको याद रखिएगा, पूरे भारत में ODF +++ राज्य घोषित किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो पूरे भारत को आपका खुले में शौच मुक्त भारत बनाए जाने का जो आपका संकल्प लिया गया था उसी के आधार पर एक आपका कैटेगरी डिसाइड किया जाता है, ODF, ODF प्लस, ODF +++। तो पूरे भारत भर में जो ODF +++ राज्य घोषित किया गया है ये है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एटमास्को लिमिटेड। एटमास्को लिमिटेड ये आपकी एक स्टील निर्माता कंपनी है जो कि आपके बीरेभाट गांव दुर्ग जिले में स्थित है। दुर्ग जिले के बीरेभाट में मौजूद है आपका एटमास्को कंपनी, ठीक है। ये आपकी इस्पात निर्माता एक कंपनी है। इसे हाल फिलहाल में देखिए ये चर्चा में क्यों आया, हमारे जो आपके छत्तीसगढ़ है यहाँ पर रक्षा श्रेणी का प्रथम उत्पादन इकाई स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। रक्षा श्रेणी का प्रथम उत्पादन इकाई स्थापित किया जा रहा है और ये जो उत्पादन इकाई है वो इसी एटमास्को लिमिटेड या एटमास्को कंपनी को ही आपका रक्षा श्रेणी के उत्पादन इकाई के रूप में विकसित किया गया है। देखिए ये जो आपका एटमास्को जो कंपनी है ये बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का निर्माण करेगी। हमारे प्रदेश का पहला रक्षा श्रेणी का उत्पादन इकाई बन रहा है आपका एटमास्को कंपनी। देखिए ये एटमास्को कंपनी इससे पहले भी चर्चा में आया था, ये जो आपका चिनाब नदी पर देश का सबसे ऊंचा नदी रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है तो उसके स्ट्रक्चर का निर्माण इसी एटमास्को कंपनी में किया गया था, ठीक है। दोबारा ये कंपनी चर्चा में आया है इसको याद रखिएगा। एटमास्को कंपनी कहां पर है तो भाट दुर्ग जिले में, ठीक है, जहां पर आपका रक्षा श्रेणी का पहला रक्षा श्रेणी का प्रथम उत्पादन इकाई स्थापित किया जा रहा है जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट जो कि आपके BSF CRSF जो आपके सैन्य क्षेत्र में जो जैकेट बनते हैं जो हेलमेट बनते हैं तो ये आपके बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का निर्माण किया जाएगा। अभी प्रारंभिक स्तर पर आपका 1,00,000 बुलेट प्रूफ जैकेट और 1,00,000 हेलमेट इस एटमास्को कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 जिसका इंग्लिश में इसका नाम है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020। देखिए ये जो आपका निर्यात तत्परता सूचकांक ये जो आपका सूचकांक है ये नीति आयोग के द्वारा पहली बार जारी किया गया सूचकांक है। इस सूचकांक का उद्देश्य क्या है, भारतीय निर्यात क्षेत्र की चुनौती व अवसरों की पहचान करना तथा निर्यात क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ठीक है। जो विभिन्न राज्य जो भारत के जो राज्य है उन राज्यों में निर्यात जो निर्यात क्षेत्र है उन निर्यात क्षेत्र में उनकी तैयारियों के आधार पर तथा उनके मध्य प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से पहली बार नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है आपका निर्यात तत्परता सूचकांक या आपका एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, ठीक है। देखिए ये जो आपका जो इंडेक्स जो जारी किया गया है ये अलग अलग कैटेगरी वाइज जारी किया गया है। एक है आपका कोस्टल एरिया, दूसरा है आपका हिमालयन एरिया, तीसरा है लैंडलॉक्ड एरिया और चौथा है आपका यूनियन टेरिटरीज या आपका सिटीज। देखिए कोस्टल एरिया का मतलब होता है आपका जो समुद्र के साथ जो सीमा बनाते हैं, ठीक है, यानी कि समुद्र के किनारे जो राज्य मौजूद है वो है आपके कोस्टल एरिया। हिमालयन यानी कि जो आपके हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसके उस क्षेत्र में मौजूद जो आपके राज्य है वो है आपके हिमालयन के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद है लैंडलॉक्ड एरिया, लैंडलॉक्ड एरिया मतलब ऐसे राज्य जिसकी जो सीमा है वो समुद्र यानी समुद्र से जो टच नहीं है, समुद्र को जो स्पर्श नहीं करते, ऐसे राज्य जो है आपके लैंडलॉक्ड के अंतर्गत आएंगे। और आपका चौथा है यूनियन टेरिटरीज मतलब जो आपके केंद्र शासित प्रदेश और कुछ शहर, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका ये
सूचकांक जारी किया गया है। तो देखिए, जो कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र के साथ जो समुद्र को जो स्पर्श करने वाले राज्य है, उस श्रेणी में गुजरात पहले स्थान पर है। ठीक है, कोस्टल वाले रैंकिंग में या कोस्टल श्रेणी में आपका गुजरात जो है ये पहले स्थान पर है। वैसे ही आपका हिमालयन के अंतर्गत जो श्रेणी है इसमें उत्तराखंड पहले स्थान पर है। लैंडलॉक्ड एरिया की जो आपकी श्रेणी है उसमें राजस्थान पहले स्थान पर है, जबकि यूनियन टेरिटरीज वाली जो श्रेणी है उसमें दिल्ली पहले स्थान पर है। ठीक है, तो जो कैटेगरी वाइज ये रैंक याद रखिएगा, कोस्टल एरिया वाइज जो है आपकी गुजरात पहले स्थान पर, हिमालयन के आधार पर उत्तराखंड पहले स्थान पर, लैंडलॉक्ड एरिया के आधार पर जो आपका राजस्थान है वो पहले स्थान पर, और यूनियन टेरिटरीज में आपका दिल्ली पहले स्थान पर है। अगर जो आपके अलग अलग कैटेगरी है अगर इन सभी को कंबाइन करके ओवरऑल रैंकिंग देखे तो इन सभी में ओवरऑल रैंकिंग में पहले स्थान पर है आपका गुजरात। ठीक है, कोस्टल, हिमालयन, लैंडलॉक्ड और यूनियन टेरिटरी सभी को अगर पूरा कंबाइन करके टोटल 36 जो आपके स्टेट और आपके यूनियन टेरिटरीज है उसका एक कंबाइन करके ओवरऑल रैंकिंग देखा जाए तो इस ओवरऑल रैंकिंग में सबसे टॉप पोजीशन पर है आपका गुजरात। ठीक है, और इसी ओवरऑल रैंकिंग में हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये है आपके आठवें स्थान पर। छत्तीसगढ़ जो है ये आठवें स्थान पर, इसे इस इंडेक्स में जो पॉइंट्स मिले हैं वो है आपके 55.95 यानी कि 55.95 अंक मिले हैं इस इंडेक्स में। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ आठवें स्थान पर है, जबकि कैटेगरी वाइज यानी कि जो हमारा छत्तीसगढ़ कैसा है, लैंडलॉक्ड एरिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो कि लैंडलॉक्ड एरिया है, लैंडलॉक्ड वाइज जो हमारा छत्तीसगढ़ है ये चौथे स्थान पर है। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न पूछ क्या रहा है उसके हिसाब से आंसर लगाना है। अगर ओवरऑल रैंकिंग पूछता है यानी कि निर्यात तत्परता सूचकांक की ओवरऑल रैंकिंग पूछता है तो ओवरऑल रैंकिंग के आधार पर आठवें स्थान पर है। अगर कैटेगरी वाइज पूछता है यानी कि लैंडलॉक्ड एरिया के आधार पर पूछता है तो उसके आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार। अभी हाल फिलहाल में जो है एक नियम ला करके एक पुराने पुरस्कार का नाम परिवर्तित किया गया है। देखिए, इस पुरस्कार का जो है पूर्व में नाम था सर्वश्रेष्ठ दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार 2012, यानी कि यह पुरस्कार जो है यह स्थापित किया गया था आपके वर्ष 2012 में। अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रदेश की विधानसभा के द्वारा एक नियम, एक कानून ला करके इस जो आपका ये जो आपका प्रोत्साहन पुरस्कार था इसका नाम परिवर्तित किया गया है। इसका नाम परिवर्तित करके इसका नया नाम रखा गया है राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा। इसके अंतर्गत आपकी दो पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस पुरस्कार में एक लाख रुपए की राशि दी जाएगी प्रति वर्ष दो बुनकरों को। देखिए, ये पुरस्कार प्रदान क्यों किया जा रहा है, जो हमारे प्रदेश में जो सूती से जो आपके वस्त्र का जो निर्माण किया जा रहा है हाथों के माध्यम से यानी कि हथकरघा बुनकरों के द्वारा जो हाथों से जो आपके कपड़ों को बुना जाता है तो उन बुनकरों को तथा उनके इन परंपरागत कार्य को संरक्षण प्रदान करने के लिए इस प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी वर्ष 2012 में, जिसका हाल फिलहाल में अभी वर्तमान प्रदेश सरकार के द्वारा इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, प्रति वर्ष जो है आपके दो बुनकरों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दो बुनकरों को एक एक लाख रुपए की राशि यानी कि टोटल 2 लाख रुपए की राशि इस प्रोत्साहन पुरस्कार के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। ठीक, इसके अंतर्गत शर्तें क्या है, पहला चीज कि वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, दूसरा न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, मैक्सिमम आयु कितनी भी हो सकती है, और तीसरा शासकीय अर्धशासकीय सहकारी संस्था व संघ का कर्मचारी ना हो। ये तीन शर्तें आपके फुलफिल करना चाहिए तो ऐसा कोई भी बुनकर इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब कुछ वन लाइनर है उसको ध्यान दीजिएगा। जो हमारे प्रदेश के जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी जी, जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ था, तो इन अजीत जोगी जी की आत्मकथा, ठीक है, इन अजीत जोगी जी की आत्मकथा आने वाली है जिसका नाम है आपके सपनों के सौदागर। नाम याद रखिएगा, सपनों के सौदागर किसकी आत्मकथा है पूछा जाए तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, ये आपका एक डिक्शनरी बनाया गया है छत्तीसगढ़ टू इंग्लिश टू हिंदी। ठीक, ये डिक्शनरी जो है बनाया है आपके डॉक्टर गीतेश अमरोहित, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश बनाया है, जिनका नाम है डॉक्टर गीतेश अमरोहित।
ठीक। देखिए दुर्लभ प्रजाति का एक जीव है जिसका नाम है आपका पेंगोलिन, ठीक है। ये जो पेंगोलिन है अभी हाल फिलहाल में आपके जो जशपुर जिले के कुनकुरी वाले क्षेत्र में घूमता हुआ पाया गया है। ये जो आपका पेंगोलिन ये हमारे प्रदेश में पाया जाता है आपके बादलखोल अभयारण्य, बादलखोल अभयारण्य जो कि हमारे प्रदेश का एरिया वाइज सबसे छोटा अभयारण्य है जो कि मौजूद है आपके जशपुर जिले में। तो जशपुर जिले के बादलखोल अभयारण्य में पाया जाता है आपका ये पेंगोलिन, ठीक है। दुर्लभ प्रजाति का एक छोटा कद वाला जानवर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका GPM यानी कि गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही। अभी हाल फिलहाल में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि इस जो आपके नवनिर्मित या नवगठित जो आपका जिला है गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही 28वें नंबर का जिला, इस गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में अब प्रतिवर्ष अर्पा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अर्पा नदी का उद्गम स्थल आपके इसी गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में ही है, तो अर्पा महोत्सव का जो आपका आयोजन किया जाएगा प्रतिवर्ष इसी गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में। और यहीं पर जो आपका मरवाही वाला जो क्षेत्र है, इस मरवाही वाले क्षेत्र में स्वर्गीय बिसाहू दास महंत उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मरवाही में स्वर्गीय बिसाहू दास महंत उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो दो फैक्ट याद रखिएगा। देखिए ये स्वर्गीय बिसाहू दास महंत कौन है इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, नेट पर सर्च करेंगे तो कुछ आपके पूर्व नेता के रूप में इनका नाम आता है और कई जगह स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नाम आता है। अगर आपको किसी प्रकार का डिटेल पता होगा तो नीचे कमेंट करके एक विस्तृत जानकारी दीजिएगा, ठीक है। शॉर्टकट अगर पता है तो शॉर्टकट में जानकारी मेरे पास भी है, अगर एक डिटेल में अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के उनका फुल डिटेल शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो यह है आपके स्वर्गीय बिसाहू दास उद्यानिकी महाविद्यालय जो कि मरवाही में इसकी स्थापना की जाएगी और प्रतिवर्ष इसी गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही वाले क्षेत्र में आपके अर्पा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लंपी स्किन डिजीज संक्रमण। देखिए एक प्रकार का ये आपका रोग है, एक संक्रमित रोग है जिसका नाम है लंपी स्किन। ये मवेशियों में यानी जो आपके पालतू जानवर है जैसे कि आपके गौवंशीय जानवर बकरी, तो मवेशियों में होने वाला एक प्रकार का संक्रमित रोग है। देखिए ये जो आपका रोग है ये रोग फैल रहा है आपके उत्तर छत्तीसगढ़ में, उत्तर छत्तीसगढ़ स्पेशली सरगुजा सूरजपुर बलरामपुर जिले में। ये आपके विषाणु जनित बीमारी है, मवेशियों में होने वाली वायरस यानी कि विषाणु जनित बीमारी है आपका लंपी स्किन, ठीक। देखिए ये जो लंपी स्किन है इसमें जानवरों के शरीर में गांठ पड़ जाता है, जानवरों के शरीर में गांठ पड़ जाता है, वो गांठ धीरे धीरे पक जाता है और पक करके फूट जाता है और एक बहुत बड़ा घाव बन जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो आपकी बीमारी है इसका वैक्सीन अभी तक हमारे पास नहीं है, छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे भारत में ये इसका इस बीमारी का वैक्सीन मौजूद ही नहीं है, ठीक। तो एक प्रकार की जो दुर्लभ बीमारी है जिससे हमारा उत्तर छत्तीसगढ़ जूझ रहा है, जानवरों यानी कि मवेशियों में होने वाली बीमारी है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका लंपी स्किन डिजीज, पहली चीज़ तो ये विषाणु जनित एक बीमारी है, मवेशियों में होने वाली बीमारी है और हमारे प्रदेश के उत्तरी छत्तीसगढ़ में ये बीमारी का संक्रमण फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इफको जिला घोषित। अभी हाल फिलहाल में आपके बेमेतरा जिला को इफको जिला घोषित किया गया है, ठीक है। इफको का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव लिमिटेड, ठीक। जिसका अगर हिंदी में हम अगर इसका इफको का नाम देखें तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संघ। ये हमारे देश में स्थित एक सबसे बड़ा उर्वरक सहकारी संघ है, ठीक है, जिसका मुख्यालय है आपके नई दिल्ली में। तो हमारे प्रदेश के कृषि विभाग के द्वारा इस बेमेतरा जिला को इफको जिला घोषित किया गया है। देखिए इफको जिला क्यों घोषित किया गया है, ये जो आपके बेमेतरा है, बेमेतरा में जगह जगह में उर्वरकों के भंडारण के लिए रेक पॉइंट बनाए जाएंगे, ठीक है। रेक पॉइंट बनाए जाएंगे जो सीधा डायरेक्टली उर्वरक जो है आपके बेमेतरा जिला के कृषि समितियों को पहुंचाएगा। देखिए उर्वरक का उपयोग क्यों किया जाता है, कृषि उपज की पैदावार बढ़ाने के लिए। ये जो आपका बेमेतरा जिला है इसने पिछले 2-3 सालों में उर्वरकों का उपयोग करके कृषि पैदावार को सर्वाधिक बढ़ाया है और इस जिले में आपका उर्वरक की खपत भी सर्वाधिक है। इस कारण से हमारे प्रदेश के कृषि विभाग के द्वारा इसे इफको जिला घोषित किया गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना, उच्च गुणवत्ता युक्त उर्वरक प्रदान करना, परिवहन और कृषि लागत कम करने का मतलब ये जो आपके उर्वरकों के भंडारण के लिए रेक पॉइंट यानी कि जो उर्वरक आते हैं ये ट्रेन के माध्यम से आते हैं। अभी जो है ये उर्वरक के लिए जो मेन पॉइंट है ये है आपका रायपुर हो गया, बलौदा बाजार हो गया, भाटापारा,
था, ये मेन पॉइंट है। लेकिन अब देखो, अब इसे जो है भाटापारा या बलौदा बाजार से इसे बेमेतरा तक उर्वरक को पहुंचाने के लिए इसमें परिवहन व्यय लगेगा, तो इस परिवहन व्यय के अधिक होने से कृषि की जो आपकी उपज की जो लागत है वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ इस जब बेमेतरा जब जिले में आपका उर्वरक का जो खपत सर्वाधिक हो रहा है, इसीलिए कृषि विभाग के द्वारा इसे इफको जिला घोषित करके यहाँ पर रेक पॉइंट का निर्माण किया जा रहा है। अब डायरेक्टली ट्रेन के माध्यम से इस स्थान पर आपकी कृषि समितियों को डायरेक्टली आपका उर्वरक की आपूर्ति की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो आपका इफको, ये जो आपका जिला घोषित किया गया है, इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाएगा अगले 3 साल तक के लिए, 2020 से लेकर के 2023 तक के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राजकीय पशु वन भैंसा। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो हमारे प्रदेश में जो आपके वन भैंसे की जो प्रजाति पाई जाती है, ये एक विलुप्त प्राय प्रजाति है जिसे हमारे प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया है, ठीक। हमारे प्रदेश में जो प्रजाति पाई जाती है उसका नाम है आपका बुबेलस बुबालिस। ये जो प्रजाति है ये मुख्य रूप से आपके उत्तर पूर्वी भारत में ये प्रजाति पाई जाती है, ठीक। इसका अगर हम हमारे छत्तीसगढ़ में इसका स्थानीय नाम देखें, तो इसका स्थानीय नाम हमारे प्रदेश में इस प्रजाति को स्थानीय नाम जो है अरना है, अरना नाम से जाना जाता है इस प्रजाति को हमारे छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, ठीक है। वन विभाग के द्वारा ये जो नाम है अभी हाल फिलहाल में आपके न्यूज़ में आया था, ये जो आपका बुबेलस जो प्रजाति है, इस प्रजाति को हमारे प्रदेश में अरना नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए, क्लोन से तैयार वन भैंस का कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। एक आपका वन भैंस है जिसका नाम है आपका दीपाशा, ठीक है। दीपाशा एक वन भैंस है जिसे आशा नाम के वन भैंस के क्लोन से तैयार किया गया था। ये जो दीपाशा वन भैंस है, इसे आशा नाम के वन भैंस के क्लोन से इसे पैदा किया गया था। आशा नाम की एक वन भैंस है, देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लोन है, ये क्लोन आपका NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मौजूद है आपके करनाल हरियाणा में। इस आशा नाम की जो वन भैंस है, उसके कान के टिश्यूज और बाल के माध्यम से एक क्लोन बनाया गया था, और उसी क्लोन से कृत्रिम तरीके से यानी आर्टिफिशियल तरीके से पैदा किया गया था आपके दीपाशा को। तो दीपाशा जो है ये आपके क्लोन से पैदा हुई वन भैंस है। अब इस क्लोन से पैदा हुई वन भैंस में आपके कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से जो है आपके वन भैंसों की प्रजातियों को बढ़ाने का एक प्रयोगात्मक प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो नाम याद रखिए, ये वन भैंसों के, ये दीपाशा नाम आ चुका है, ठीक है। दीपाशा नाम आया हुआ है, दीपाशा हो गया, जुगाड़ू हो गया, ठीक, आशा हो गया, ये सभी जो वन भैंसों के नाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके स्वर्गीय छोटे लाल श्रीवास्तव बांध। देखिए, ये जो आपका स्वर्गीय छोटेलाल श्रीवास्तव बांध, ये मौजूद है आपके धमतरी में आपका मॉडम सिल्ली, ठीक है। पहले इसका नाम था आपका मॉडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली बांध, जो कि आपके सिलियारी नदी में आपके वर्ष 1923 में बनाया गया था। ब्रिटिशकालीन एशिया का पहला साइफन बांध है, ठीक है। ये जो आपका मॉडम सिल्ली बांध है, ये आपके ब्रिटिश काल में निर्मित एशिया का पहला साइफन बांध। ये साइफन बांध होता क्या है, इससे रिलेटेड छत्तीसगढ़ का जो भूगोल वाला प्लेलिस्ट है, ठीक है, अभी कुछ दिन में, मतलब आज इवनिंग तक शायद जो है आपके छत्तीसगढ़ का भूगोल वाला प्लेलिस्ट आ जाएगा। टेलीग्राम में उसको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, और या तो फिर इवनिंग तक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में छत्तीसगढ़ का भूगोल वाला जो ओल्ड वीडियो है, जो जियोग्राफी वाला वीडियो है, उसके सारे लिंक शेयर कर दिए जाएंगे। उसके धमतरी वाले जिले में जाकर के देखिएगा, उसमें मैंने साइफन बांध के बारे में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां से देख लीजिएगा साइफन बांध होता क्या है। तो ये जो आपका ब्रिटिशकालीन एशिया का पहला साइफन बांध है, ठीक है। देखिए, ये जो आपका जो हमारे प्रदेश के जो वर्तमान में जो आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा धमतरी जिले में उन्होंने इस मॉडर्न सिल्ली बांध का नाम परिवर्तित करके हमारे स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय छोटेलाल श्रीवास्तव बांध किए जाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो इसी ये जो अब राज्य सरकार के द्वारा अब जो आदेश है इसे पारित कर दिया गया है, ठीक। तो अब से ये जो आपका जो मॉडर्न सिल्ली बांध है, इसका नाम अब रखा गया है आपका स्वर्गीय छोटेलाल श्रीवास्तव बांध, यानी अब आगे से इन्हें स्वर्गीय छोटेलाल श्रीवास्तव बांध के नाम से जाना जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वर्गीय छोटेलाल श्रीवास्तव बांध किस जिले में है, तो यह धमतरी जिले में। किस नदी पर है, तो यह है आपके सिलियारी नदी पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका शशांक सिंह, जो कि हमारे प्रदेश के आपके ऑलराउंडर क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, क्रिकेटर है, जिनका हाल फिलहाल में आपके आईपीएल का जो 13वां संस्करण जो कि आयोजित हो रहा है आपका यूएई में, उसमें जो आपके आईपीएल की एक टीम है राजस्थान रॉयल, उसके रिटेन प्लेयर के रूप में ये चयनित हुए। रिटेन प्लेयर का मतलब एक्स्ट्रा प्लेयर, ठीक है, रिटेन प्लेयर के रूप में चयनित हुए। तो नाम याद रखिएगा शशांक सिंह, इनका संबंध किस खेल से है पूछा जाए, तो क्रिकेट से है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ वन लाइनर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए,
पौड़ीगुड़ा जलप्रपात, पौड़ीगुड़ा जलप्रपात जो कि आपके बस्तर में खोजा गया एक नवीन जलप्रपात है, ठीक है, बस्तर वाले क्षेत्र में खोजा गया एक नवीन जलप्रपात जिसका नाम है आपका पौड़ीगुड़ा जलप्रपात, ठीक। एक आपका दल है जिसका नाम है दंडक दल, दंडक दल जो है 5 लोगों की एक टीम है, वो बस्तर में आपके इस जलप्रपात को उन्होंने ढूंढा है, ठीक, जिसके जिसके मेन आपके लीडर थे आपके अविनाश प्रसाद, अविनाश प्रसाद उनका नाम था, दंडक दल को वो लीड कर रहे थे, उनके द्वारा इस बस्तर वाले क्षेत्र में एक नवीन जलप्रपात की खोज की गई है। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से ये आपका यहां इस जलप्रपात में पानी गिरता है और 12 महीने इस जलप्रपात में पानी रहता है, ठीक है। तो ये 12 मासी पानी वाला एक जलप्रपात है जिसका नाम है आपका पौड़ीगुड़ा जलप्रपात। इसका नाम पौड़ीगुड़ा क्यों पड़ा, देखिए स्थानीय स्तर पर पौड़ीगुड़ा का मतलब होता है आपके भालुओं का निवास, इस क्षेत्र में भालुओं का निवास जो है सर्वाधिक है, इस कारण से इस जलप्रपात का नाम है आपका पौड़ीगुड़ा जलप्रपात। इसे अन्य नाम से जाना जाता है आपका लूदे घूमर जलप्रपात के नाम से, ठीक है। तो लूदे घूमर जलप्रपात या आपका पौड़ीगुड़ा जलप्रपात किस जिले में है, तो यह है आपके बस्तर जिले में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका तमड़ा घूमर जलप्रपात, ये आप पहले भी पढ़ते आ रहे होंगे लेकिन इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, जो तमड़ा घूमर जलप्रपात है, तमड़ा का अर्थ होता है आपका मोर, इसलिए इसे तमड़ा घूमर या मयूर जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रश्न आएगा कि मयूर जलप्रपात किस जिले में है, तो वो है आपके बस्तर जिले में। किस नदी पर निर्मित है, तो इंद्रावती नदी पर निर्मित है आपका तमड़ा घूमर या मयूर जलप्रपात। नेक्स्ट है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात जो कि हमारे प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि मुनगाबहार नदी के ऊपर स्थित है, ये भी आपके बस्तर जिला में है। इस ये जो आपके तीरथगढ़ जलप्रपात है, इसका एक अन्य नाम और है, उसको याद रखिएगा, मुंगा इंदुल, ठीक है, मुंगा इंदुल। इस तीरथगढ़ जलप्रपात को मुंगा इंदुल जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।